कुलदीप सिंह का नाम सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में अचानक सुर्खियों में आ रहा है, लेकिन संदीप सिंह की पहचान असल में क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह उनके क्रियाकर्म और मुंबई की कूपर हॉस्पिटल की हर तस्वीर में नजर आए, और फिर जब अंकिता लोखंडे सुशांत के घर पर पुलिस से मिलने पहुंची, तब भी संदीप अंकिता के साथ थे। सुशांत और अपनी दोस्ती को लेकर मीडिया में बयान भी दिए, लेकिन अब खुद संदीप सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते और उनकी मौत के दौरान मौजूदगी को लेकर सवालों के घेरे में हैं। आखिर क्या है संदीप का बैकग्राउंड? कौन है ये शख्स जो अचानक सुर्खियों बटोर रहा है? कैसे आइसक्रीम बेचने वाले से संदीप सिंह बन गया संजय लीला भंसाली का सबसे भरोसेमंद आदमी? कैसे एक रेडियो स्टेशन में काम करने वाला बन गया एक फिल्म प्रोड्यूसर जिसने प्रधानमंत्री मोदी पर फिल्म बना डाली? मॉरिशस में एक सेक्स स्कैंडल में भी संदीप का नाम आया था। कुछ ऐसे ही संदीप सिंह की कहानी, आइए डालते हैं संदीप सिंह से जुड़ी 10 अहम बातों पर एक नजर। संदीप बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन मुंबई के मीरा रोड के मध्यम वर्गीय इलाके में पले बड़े हैं। संदीप के परिवार में उनकी माँ और बहन ही है। संदीप अपनी पढ़ाई के दिनों में मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में आइसक्रीम बेचते थे और ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की। संदीप को पत्रकार बनने का बहुत शौक था, इसके लिए उन्होंने छोटे बड़ी मैगजीन्स और मीडिया संस्थानों में काम भी किया। संदीप बातों में तेज और जुगाड़ू किस्म का इंसान है और मीठी मीठी बातें करने में माहिर। संदीप के करियर में सफलता आई जब रेडियो स्टेशन में काम करने का मौका मिला। मुंबई के कई रेडियो स्टेशन में काम करते करते संदीप ने काफी फिल्मी हस्तियों को दोस्त बना लिया, और ऐसा ही एक रिश्ता था फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के साथ। फिल्म सांवरिया के दौरान संदीप संजय से जुड़े और उनके खास दोस्त और राजदार बन गए। संजय लीला भंसाली ने संदीप को अपनी कंपनी का CEO तक बना दिया। संदीप ने इस दौरान 6 फिल्में और एक टीवी सीरियल बनाया। ये फिल्में थी शीरीन फराद की लव स्टोरी, रामलीला, राउडी राठौर, गब्बर इज बैक और मैरी कॉम। इसी दौरान संदीप ने स्टार प्लस पर सरस्वती चंद्र का भी संजय लीला भंसाली के साथ निर्माण किया। 2015 में संदीप ने भंसाली की कंपनी छोड़ी और खुद प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो नाम की कंपनी बनाई और अलीगढ़, भूमि, सरबजीत और PM नरेंद्र मोदी जैसी फिल्मों बनाई। इन फिल्मों में मैरी कॉम के डायरेक्टर उमंग कुमार और आनंद पंडित उनके साथ रहे। खबरों की माने तो 2018 में संदीप सिंह का नाम एक सेक्स स्कैंडल में भी आया था। मॉरिशियस में स्विट्जरलैंड के एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप संदीप पर लगा था। संदीप सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के दोस्त थे। दोनों के अलग हो जाने के बाद संदीप अंकिता के साथ नजर आए, लेकिन सुशांत के साथ नहीं दिखे। हाल ही में सुशांत की मौत के बाद उन्होंने बताया वो सुशांत के दोस्त हैं। जहां सुशांत के अंतिम संस्कार में वो सुशांत की बहन नीतू के साथ नजर आए, वहीं सुशांत के परिवार ने किसी भी संदीप नाम के शख्स को ना जानने का भी खुलासा किया। वैसे खबर थी कि संदीप सिंह ने सितंबर 2019 से सुशांत से भी कभी बातचीत नहीं की। साथ साथ ये भी सामने आया कि संदीप सुशांत को लेकर एक फिल्म भी प्लान कर रहे थे। चूंकि संदीप भी बिहार से हैं, वो सुशांत को अपना बिहारी भाई बोलते थे। संदीप प्रोड्यूसर होने के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारों के दोस्त हैं, संजय दत्त से लेकर और शाहरुख तक, और विवेक ओबरॉय से लेकर अंकिता लोखंडे तक उनके दोस्त हैं। संदीप के सोशल मीडिया अकाउंट पर हर सितारे के साथ तस्वीर हैं। 2019 में लोकसभा के चुनाव के दौरान संदीप ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिल्म भी बनाई थी। ये फिल्म काफी विवादों में रही। विवेक ओबरॉय इस फिल्म में नरेंद्र मोदी बने थे। इस फिल्म में संदीप ने एक गाना भी गाया था। तमाम चर्चा, ऑपोजिशन पार्टी का विरोध, कोर्ट और सेंसर बोर्ड की कंट्रोवर्सी फिल्म को नहीं चला पाई।
संदीप ने सुशांत सिंह राजपूत के क्रियाकर्म का सारा आयोजन किया था। यहां तक कि सुशांत की मौत वाले दिन संदीप ने ही अपने फोन से कॉल करके एम्बुलेंस को सुशांत की डेड बॉडी लेने के लिए बुलाया था। कहा जाता है कि संदीप सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले पहुंचने वाले लोग में से थे। वहीं पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि वो किसी संदीप को नहीं जानता। संदीप सिंह सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी के साथ संदीप और उनकी टीम ने सुशांत के परिवार को लाने का भी काम किया था। शायद सुशांत का परिवार संदीप को ना जानता हो, लेकिन औपचारिक तौर पर संदीप ने ही सारा इंतजाम किया था। जांच एजेंसीज इस मुद्दे का भी ध्यान अपनी जांच में रख सकती हैं। संदीप सिंह की दुबई यात्राओं को भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संदीप के दुबई कनेक्शन की जानकारी अपने ट्विटर पर दी। उन्होंने संदीप को एक सस्पेक्ट करार दिया। जांच एजेंसीज इसकी भी तहकीकात कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर ये भी खबर वायरल हो रही है कि संदीप सिंह देश छोड़ने की तैयारी में है। फिलहाल संदीप सिंह और उनकी टीम जो पहले मीडिया से बात कर रही थी, अभी सीबीआई जांच के शुरू होने के बाद औपचारिक रूप से कुछ नहीं कह रही है।